एक्सआई न्यूज़ मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज आप सभी के फेवरेट प्रोग्राम श्रीदेवी स्पेशल में। भाई जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तो श्रीदेवी की जिंदगी से जुड़ी, श्रीदेवी के निधन से जुड़ी तमाम जानकारी आप सभी को देते हैं कि आखिरकार क्या श्रीदेवी के निधन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। मगर ये जो उनकी निधन की गुत्थी है ये सुलझने के बजाय बार बार ही उलझती जा रही है। साथ ही साथ अगर श्रीदेवी का आपको थोड़ा फ्लैशबैक लेके जाएं तो श्रीदेवी 24 फरवरी को दुबई में मोहित मारवा की वेडिंग को अटेंड करने गई थी। बी टाउन की ये ऐसी खूबसूरत अदाकार रह चुकी हैं जो हमेशा से अपनी बेहतर एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। वो 24 फरवरी की काली रात जब श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, मानो उनसे ये खबर जैसे ही बाहर आई तो पूरा बी टाउन सदमे में चला गया। साथ ही साथ श्रीदेवी के फैंस को भी काफी बड़ा सदमा लगा था। श्रीदेवी को कितने लोग चाहते थे वो उनके अंतिम समय में पता चल ही गया, क्योंकि लाखों की भीड़ सड़कों पे उतर आई थी श्रीदेवी के अंतिम दर्शन करने के लिए। इंसान अपनी जिंदगी में क्या कुछ कमाता है वो उसके अंतिम पल पे ही पता लगता है। अगर आप अच्छे हैं तो काफी भीड़ आपके साथ होती है, मगर अगर वहीं आप अच्छे नहीं होते तो कोई भी आपके साथ नहीं होता। ऐसा ही कुछ श्रीदेवी के साथ भी हुआ। श्रीदेवी हमेशा से ही अपने बेहतर स्वभाव के लिए भी जानी जाती थी, मगर श्रीदेवी के साथ जो हुआ आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनके निधन की ये जो गुत्थी है वो कब तक सुलझेगी। श्रीदेवी का जहां पर एक्सीडेंटल बताया गया था कि उनके एक्सीडेंट से उनका निधन हो गया, मगर उसके बाद भी तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं जहां पर श्रीदेवी का निधन जो है वो अब भी मानो असुलझा सा दिखाई दे रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि श्रीदेवी के मन में तमाम इच्छाएं थी, उनके तमाम सपने थे, मगर वो सपने अधूरे रह गए। श्रीदेवी चाहती थी कि वो अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी का डेब्यू देख सके। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। जहां पर जाह्नवी उनके होते ही अपनी फिल्म की तैयारियों में जुटी थी तो कहीं बारी श्रीदेवी ने इस बात का भी जिक्र किया। आखिर क्या है पूरी रिपोर्ट में आप जान जाएंगे और किन किन इच्छाओं को लेकर आज तक वो इच्छाएं और हमेशा ये इच्छाएं उनकी अधूरी होंगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी जो हमेशा से ही अपनी बेहतर एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी, श्रीदेवी भले ही आज हमारे बीच में ना हो मगर आज भी श्रीदेवी फैंस के दिलों में जिंदा है। आज भी फैंस जो है वो श्रीदेवी की एक झलक का इंतजार बेसब्री से करते हैं कि एक बार काश श्रीदेवी की वो फिल्में देख सकें, एक बार श्रीदेवी की पुरानी कोई एपिसोड्स को देख सकें जिसके साथ श्रीदेवी जितनी बेहतर एक्टिंग करती थी आज भी लोग उनके दीवाने बने बैठे हैं। मगर श्रीदेवी ने अचानक से जब से इस दुनिया को अलविदा कहा वो 24 फरवरी की काली रात मानो से हर कोई सदमे में था। 24 फरवरी वो काली रात जब दुबई गए, दुबई से ये खबर सामने आई कि श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब पूरे देश में सदमे की लहर देखी गई। साथ ही साथ कपूर परिवार भी काफी गहरे सदमे में देखा गया था। जहां श्रीदेवी के मन में तमाम इच्छाएं थी, तमाम वो चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करें, तमाम उनके मन में तमाम उनके सपने थे। मगर आज हम आपको श्रीदेवी का एक ऐसे सपने के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद ही जल्द पूरा तो होने वाला है, पर अफसोस श्रीदेवी उन सपनों को पूरा होते नहीं देख पा रही हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर को लेकर, जो बेहद ही जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। साथ ही साथ उनकी फिल्म धड़क का भी ट्रेलर सामने आया जिसमें देखा गया कि जाह्नवी बेहद ही खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही थी। वहीं यहाँ पर श्रीदेवी अक्सर ही ये बात करती थी कि उन्हें अपनी बेटी की फिल्म को लेकर काफी ज्यादा टेंशन है। 22 तारीख को जहाँ श्रीदेवी का ये सपना पूरा होने वाला है तो वहीं अफसोस की बात है कि श्रीदेवी देखने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है कि उनकी बेटी की फिल्म 22 तारीख को सिनेमाघरों में दस्तक तो देगी
मगर जिस फिल्म को लेकर उनको इतनी टेंशन थी, जिस फिल्म को लेकर उनको इतनी घबराहट हो रही थी, आज वो ये फिल्म देखने के लिए जिंदा ही है। उनको बता दें, यूं तो श्रीदेवी की तमाम सपने थे, उनकी तमाम इच्छाएं थी, मगर अफसोस की बात है कि ये सब इच्छाएं महज एक इच्छा रह गई। अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक आपको लेके जाएं तो बता दें, श्रीदेवी 24 फरवरी को जब उनका निधन हुआ है, उससे पहले श्रीदेवी दुबई में मोहित मारवा की वेडिंग को अटेंड करने के लिए यहाँ पे गई थी। जी हाँ, अटेंड करने के लिए खुशी के माहौल में वो शिरकत करने गई थी, जहाँ पे पूरा कपूर परिवार उनके साथ भी था और पूरे कपूर परिवार ने जम के मौज और मस्ती भी की। मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि जहाँ मुंबई से दुबई तो वो खुशी खुशी जा रही हैं, मगर ऐसे दुबई से मुंबई वापस ऐसे इस तरह से वो वापसी करेंगी, इस तरह से श्रीदेवी की वापसी होगी, ये किसी के ख्वाब में नहीं था। बताया गया कि जब हर कोई वेडिंग को अटेंड करके मुंबई आ गया था, मगर श्रीदेवी दुबई में ही ठहर गई। उसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए वापस से दुबई गए, जहाँ पर उन्होंने उनके लिए डिनर डेट को सरप्राइज किया हुआ था, सरप्राइज रखा हुआ था, और उन्होंने श्रीदेवी से मुलाकात की और उसके बाद उन दोनों ने डिनर डेट पे जाने का प्लान बनाया। उसके बाद श्रीदेवी अचानक से ही वॉशरूम गई अपने आप को मेकअप मेकओवर लेने के लिए, मगर अंदर जाके श्रीदेवी का पैर फिसला और वो बाहर टब में जा गिरी और वहां पे उनका एक्सीडेंटल निधन हो गया। साथ ही साथ बोनी कपूर एक ऐसे शख्स थे जो वहां पर मौजूद थे। श्रीदेवी के जाने के बाद बोनी कपूर को लेकर तमाम सवाल उठे, तमाम शक के घेरे में बोनी कपूर आए, तमाम उनसे अब भी सवाल कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, मगर उसका जवाब आज भी बोनी कपूर के पास नहीं है। आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व एसीपी वेद भूषण ने तमाम तरह की श्रीदेवी के निधन की गुत्थी को और सुलझाने की कोशिश की है, जहां पर इस गुत्थी को सुलझने के बजाय ये आए दिन उलझती जा रही है। तो कहीं ना कहीं वेद भूषण का कहना है कि श्रीदेवी का जो निधन था वो एक सोची समझी प्लानिंग थी। आखिरकार वेद भूषण ने कहा कि वो बेहद ही जल्द फैंस और मीडिया के सामने इस बात को सबूत के तौर पर रखेंगे कि जो श्रीदेवी का निधन हुआ था वो एक अचानक से निधन नहीं बल्कि पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। हालांकि ये जो गुत्थी है आए दिन सुलझने के बजाय उलझती ही जाती है, पर अफसोस की बात है कि श्रीदेवी का ये सपना अधूरा रह गया। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा श्रीदेवी स्पेशल प्रोग्राम में हमने जहाँ पे आपको श्रीदेवी की जिंदगी से जुड़ी, उनके निधन से जुड़ी तमाम चीजों के बारे में बताया। श्रीदेवी जहाँ पर उनकी तमाम इच्छाएं सामने आई थी, मगर आज भी उनकी जो एक इच्छा है वो अधूरी रह गई, और वो है जाह्नवी का बॉलीवुड डेब्यू। जाह्नवी बेहद ही जल्द बॉलीवुड में कदम रखने वाली है अपनी फिल्म धड़क से, जिसको लेकर वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। मगर एक दौर ऐसा था, आपको बता दें, जब श्रीदेवी अपनी बेटी के डेब्यू को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें उनकी टेंशन थी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें उनकी फिक्र थी कि श्रीदेवी ना जाने बड़े पर्दे पर उनकी वो चाहती थी कि उन्हें ये नहीं आता था समझ कि किस तरह से जाह्नवी जो है बड़े पर्दे पर कैसे अपना रोल प्ले करेंगी, किस तरह से वो बेहतर एक्टिंग कर पाएंगी या नहीं। श्रीदेवी के जाने के बाद जहाँ पूरा देश तो सदमे की लहर में था ही, वहीं पर उनकी दोनों बेटियाँ और बोनी कपूर को भी गहरा सदमा लगा था। मानो आज तक ये तीनों लोग जो हैं इनकी जिंदगी अधूरी रह गई। माँ के जाने का गम इन दोनों बेटियों से बेहतर कोई भी नहीं जानता, और बोनी कपूर भी श्रीदेवी से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी तक को छोड़ दिया था और श्रीदेवी से उन्होंने शादी कर ली थी। तमाम तरह का उन्होंने श्रीदेवी के लिए स्ट्रगल किया, मगर जब इन दोनों को साथ चलना था, जब इनके थोड़ा समय अब अपने बच्चों के लिए इनको कुछ करना था, तब श्रीदेवी ने दुनिया से अलविदा कह दिया, बोनी कपूर का साथ छोड़ दिया। श्रीदेवी के जाने के बाद बोनी कपूर पे तमाम तरह के क्वेश्चंस भी उठते आए हैं, तमाम तरह के उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में श्रीदेवी का एक जो निधन था वो एक एक्सीडेंटल था। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जहां शक के घेरे में है बोनी कपूर, जहां पर हाल ही में दिल्ली के पूर्व एसीपी वेद भूषण ने तमाम चीजों का भी खुलासा किया है, जहां पे उनका कहना है कि आने वाले टाइम में वो श्रीदेवी के निधन की इस गुत्थी को सुलझा कर ही मानेंगे, वो सुलझा कर ही सामने लेकर आएंगे और उन सबूतों को भी कि ये निधन नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग है। आखिरकार श्रीदेवी के निधन की ये गुत्थी कब सुलझेगी, उसका इंतजार यकीनन आप सभी को भी होगा और हमें भी है।
फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।